नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है भूपेंद्र। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें दूसरे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर फॉलो कर लीजिए। सर्च कीजिए कार क्वेस्ट 1 इंस्टाग्राम पे और कार क्वेस्ट फेसबुक पे, और वहाँ भी हमें फॉलो कर लीजिए फटाफट। तो आज का जो वीडियो है ये है इस होंडा CB350 RS बाइक का, जो कि एक अर्बन वर्जन है CB350 हाईनेस का। सो हाईनेस बाइक आपने सभी ने देखी होगी और आपको लगेगा कि थोड़ा सा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको बहुत अर्बनिश एक लुक देने की कोशिश की गई है होंडा के द्वारा। तो होंडा का एक ही मानना था कि जो कमियाँ उन्होंने वहाँ हाईनेस में छोड़ दी थी, यहाँ पर वो उसको पूरा करेंगे। बट कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको लगेगा कि आपको हाईनेस में सही मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी कमी मिलेगी, तो उसके बारे में भी आपसे शेयर करूँगा। साथ ही इसके सस्पेंशन, इसकी सीटिंग क्वालिटी कैसी है, राइड क्वालिटी कैसी है, वो भी हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो एक बार स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। सो बाइक के फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो इसका जो ये हेडलैम्प है, फुल्ली LED हेडलैम्प आपको इस बाइक में दिए गए हैं, आप अगर देख सकते हैं। सो फुल्ली LED हेडलैम्प्स आपको हाई बीम और लो बीम में मिलेंगे। साथ ही साइड में आपको यहाँ पे ये प्लास्टिक के एक अलग सा नकल्स दिए गए हैं, जो कि इस हेडलाइट के लुक को साइड से भी थोड़ा सा एनहांस कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे हाईनेस में आपने यहाँ पे मेटल का गार्ड देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको प्लास्टिक का गार्ड मिलेगा। आपको मेटल कहाँ मिलेगा, यहाँ इस थोड़े से पार्ट पे यहाँ मेटल मिलेगा। इस मेटल के साथ इस प्लास्टिक को अटैच किया गया है, तो ये आपको लगेगा कि थोड़ा सा अगर मेटल में होता तो ज़्यादा यूजफुल होता, बट ये अर्बनिश बाइक है तो अर्बन के हिसाब से थोड़ा सा इसको लाइट रखा गया है। यहाँ पे इसको जो टायर साइज़ दिया गया है वो है 19 इंचेस का। फ्रंट टायर साइज़ आपको 19 इंचेस का मिलता है। साथ ही जो डिस्क ब्रेक मिलती है वो 310 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, और इसमें ABS ब्रेकिंग मिलते हैं आपको, ड्यूल चैनल ABS यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो ये है फ्रंट इस गाड़ी का। इसमें एक चीज़ और, जो इसमें आपको यहाँ टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, ये भी LED टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, और सबसे अच्छी बात है आपको हजार्ड स्विच दिया गया है, तो आप ऑल 4 इंडिकेटर्स को ऑन कर सकते हैं एक सिंपल स्विच से। सो ये काफ़ी सही चीज़ यहाँ पे आपको RS के अंदर मिलने वाली है। अब एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये आपको पैनल मिलने वाला है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलने वाला है, एक छोटा सा आपको एक आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर DIS आपको मिल रहा है। सो DIS के जो स्विचेस हैं वो मैं बता देता हूँ, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला स्विच है ये DIS का स्विच है, यहाँ से अगर आप चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रिप और गाड़ी कितनी चल चुकी है, उसके बाद ये ट्रिप ए ट्रिप बी, तो यहाँ से आप इसको स्विच कर सकते हैं। जो नीचे की तरफ आपको ये बटन दिखाई दे रहा है, सो ये है यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का। तो अच्छी बात ये है कि इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, तो ये अभी ट्रैक्शन ऑन है। अगर इस बटन को आप दबाएंगे, हाँ, सो ये अब ट्रैक्शन ऑफ हो गया है, तो यहाँ से आप ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हैं और यहीं से दोबारा इस बटन को दबा के ट्रैक्शन को ऑन कर सकते हैं। तो अब ऑन है। अभी ये जो इंडिकेटर है ये है साइड स्टैंड का, अगर साइड स्टैंड यहाँ लगा हुआ है तो बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, और चलती हुई बाइक में आप थोड़ा लो स्पीड में हैं और आपने साइड स्टैंड अगर लगा दिया तो भी ये बाइक अपने आप ऑफ हो जाएगी। तो ये उसकी लाइट है, जैसे ही आप साइड स्टैंड को उठाएंगे ये जो है चली जाएगी। उसके बाद न्यूट्रल का, ABS का, इको का, लाइट्स का, तो ये सभी जो हैं आपको इंडिकेशंस यहाँ अच्छे से दिए गए हैं। तो ये डिस्प्ले मुझे काफ़ी सही लगा है। जो कमी है इस डिस्प्ले में वो क्या है हाईनेस से, हाईनेस में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती थी जो आपको RS के अंदर नहीं मिलने वाली है। सो ये भी एक कमी यहाँ पे कर दी गई है अब RS के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके, इस टैंक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है इसकी 15 लीटर्स है, और इस टैंक को थोड़ा सा चेंज किया गया है, और जो स्टिकर्स हैं यहाँ पे होंडा के, ये जो ड्यूल स्टिकर्स दिए गए हैं येलो और ब्लैक कलर का, जो ये टैंक दिया गया है ड्यूल कलर में, तो ये काफ़ी सही यहाँ पे लग रहा है। तो 15 लीटर का टैंक है यहाँ पे, जो ओपन करने का है, नॉर्मल मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये इसके साथ ही अटैच रहेगा, तो ये इस तरह से इसका टैंक यहाँ से ओपन होता है। हालांकि ये टैंक जो है खुलने के बाद ये यहीं ऊपर की तरफ दिखता है, इसको अंदर की तरफ एम्बेडेड किया जाता है, थोड़ा अंदर की तरफ रखा जाता तो शायद और थोड़ा सा लुक को अनाउंस कर सकते थे, बट ये भी अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्रोम में आपको ये जो है ढक्कन दिया हुआ है, तो ये भी ठीक लग रहा है। उसके बाद हैंडल आपको मैं दिखा देता हूँ। तो हैंडल जो है इस बाइक का वो काफ़ी सीधा आपको लगने वाला है, ज़्यादा कोई इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। नॉर्मल हाईनेस में भी कुछ इस तरह का ही हैंडल था, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है कि ये थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेट है हैंडल। इधर की तरफ आपको एक सबसे बड़ी चीज़ जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है ये हॉर्न का। तो अभी लगभग मैं 10 दिन से इस बाइक को चला रहा हूँ, और 10 दिन में मैंने ये नोटिस किया कि इसकी आपको आदत बहुत मुश्किल से पड़ने वाली है। यहाँ पर आप बार बार हॉर्न को ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इंडिकेटर का स्विच दिया गया है और ऊपर की तरफ आपको हॉर्न दिया गया है। आगे की तरफ पास का साइन है, तो ये पास, ये हाई बीम आप कर सकते हैं यहाँ से,
यहाँ से आई बीम हो जाएगा और यहाँ पे पास आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरफ की अगर मैं बात करूँ तो ये भी काफ़ी अलग है इस बाइक में। सो यहाँ पे आपको इंजन कट के लिए, ये इंजन अब कट है, और सेल्फ स्टार्ट के लिए तो ये एक सिंगल बटन दिया गया है, तो इसी से आप बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। और ये आपको जैसे कि मैंने बताया था हैज़र्डस लाइट ऑन करने के लिए, इसको आप जब दबाएंगे तो ऑल फोर इंडिकेटर्स जो है वो ऑन हो जाएंगे। अब इसकी मैं आपको सीट्स दिखा देता हूँ। तो सीट्स जो हैं इस बाइक की वो हाइनेस से छोटी की गई हैं और इसकी ज़्यादा अच्छी लगती हैं मुझे पर्सनली। हाइनेस में जिस तरह की यहाँ पे लंबी सीट थी, फिर पीछे की तरफ एक गार्ड दिया गया था, वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था, लेकिन यहाँ आरएस में उसको दूर किया गया है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि अगर मैं एक बार आपको बैठ के दिखा देता हूँ, अगर मैं इस बाइक पर बैठ जाता हूँ तो जो पीछे बैठने वाला होगा उसके लिए कोई ज़्यादा स्पेस है नहीं। एज अ राइडर तो आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं, बट जो पिनियन आपके साथ बैठेगा वो इसको ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाएगा लॉन्ग राइड्स पे। तो अगर आप लोकल गाड़ी चला रहे हैं, लोकल अगर बाइक चला रहे हैं, तो वहाँ तो ये ठीक है, 15-20-25 किलोमीटर तक अगर कोई बैठ रहा है आपके साथ तो वो ठीक है। लेकिन इसमें क्योंकि कुछ पकड़ने के लिए भी कुछ नहीं है, या तो आप कुछ ऐसी चीज़ लगवा लीजिए इसमें, कोई अगर एसेसरीज अवेलेबल हैं तो वो लगवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस नहीं दिया है पिनियन के लिए, लेकिन एज अ राइडर आप अच्छे से बैठ सकते हैं। आपका हैंडल का जो ग्रिप होगा वो काफ़ी सही है। तीसरी चीज़ जो इसमें मेरे को लगी पिछले 10 दिनों में इसको राइड करने में, कि इसके जो ये मिरर्स हैं ये काफ़ी अंदर की तरफ हैं, आपको इनको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आपको इनका कुछ फ़ायदा लेना है। नॉर्मली लोग उतार देते हैं, जो हम रिकमेंड नहीं करते, कभी ये मिरर्स नहीं उतारने चाहिए, ठीक है। आप इन ओरिजिनल मिरर्स को ही रखिए, बट ये ओरिजिनल मिरर्स को भी आप थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। आप थोड़ा ही चीज़ें पीछे वाली जो बाइक्स या गाड़ियाँ आने वाली है उनको अगर देखना है तो आपको इनको अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा। इनकी थोड़ी सी मुझे पोजिशनिंग या इनका साइज़ जो है वो थोड़ा अजीब लगा यहाँ पर CB350 RS के अंदर। अब इसके जो है गियर की मैं बात कर लेता हूँ। तो गियर जो इसमें दिए गए हैं ये आपको फ्रंट जो है सिर्फ टो से ही आप इसको कर सकते हैं, हालांकि हाइनेस में टो और हील दोनों आप यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे आपको इस तरह से ही गियर्स चेंज करने पड़ेंगे। ये एक यहाँ पे चेंज दिया गया है इसके अंदर। इंजन के ऊपर यहाँ पे एक ये होंडा की प्लेट दी गई है क्रोम की, और जो कि हाइनेस में नहीं था वो भी मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे जो अच्छी चीज़ दी गई है, ये जो मेटल की प्लेट यहाँ गार्ड दिया गया है मेटल का, ये आपको यहाँ CB350 RS में मिल रहा है, लेकिन हाइनेस में ये अवेलेबल नहीं है। सो इंजन का साइज़ देखने में काफ़ी सही ये लगता है। इंजन जो है इसका 350 cc का है, अगर टू बी प्रिसाइज अगर मैं पूरी अच्छे से बताऊँ तो 348.4 cc का ये इंजन है, जो पावर जनरेट करता है 21 PS की, और जो टॉर्क जनरेट करता है 30 Nm का, जो कि मुझे तो काफ़ी वाजिब लगा जब मैं ड्राइव किया इस बाइक को, तो काफ़ी सही मुझे लगा। लेकिन अभी थोड़ा सा ड्राइव करके आपको दिखाएंगे, एक पिकअप में आपको दिखाऊंगा इसका स्टार्टिंग का, तो वो भी आप देखना कि कितना सही है। अब इसका थोड़ा सा सस्पेंशन की बात करते हैं। तो फ्रंट सस्पेंशन जो है इसमें वो आप देख सकते हैं। सो जो फ्रंट सस्पेंशन है इसमें टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं और इनको अच्छे से कवर किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो अंदर डस्ट वगैरह नहीं जाएगा, लीकेज वगैरह ज़्यादा आसानी से नहीं होगा, तो यहाँ वेयर एंड टीयर जो है वो काफ़ी सही रहने वाला है इन शॉक अब्जॉर्बर्स का फ्रंट का। अब पीछे की तरफ जो आपको दिए गए हैं ये ड्यूल जो है आपको यहाँ पे शॉक अब्जॉर्बर्स दिए गए हैं दोनों तरफ, तो ये भी काफ़ी सही है। ब्लैक कलर का इनको यहाँ पे यूज़ किया गया है, अंदर की तरफ क्रोम जो है, नॉर्मली आपको मेटल जो है वो क्रोम फिनिश के साथ दिखेगा, तो वो भी काफ़ी सही यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद ये जो पार्ट है यहाँ भी काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ किया गया है, इस प्लास्टिक को ऊपर की तरफ लगा के, तो ये मेटल जो है वो हो सकता था आपको थोड़ा अच्छा ना लगता, तो उसको वहाँ पे छुपा दिया गया है इस हल्के से प्लास्टिक के इस कवर को यूज़ करके, जो कि अपने आप में ही काफ़ी मजबूत है, काफ़ी ठीक है, तो अच्छा भी लग रहा है वैसे ये। अब रियर की बात कर लेते हैं। तो जो इसका रियर है, मैं एक बार इस लाइट को ऑन कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। सो ये जो रियर लाइट्स हैं ये भी यहाँ पे LED का यूज़ किया गया है और काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी स्लीक लाइट्स यहाँ पे टेल लाइट्स आपको मिलती हैं, जो कि काफ़ी सही है। अगेन ये LED आपको पीछे की तरफ इंडिकेटर मिलते हैं और काफ़ी अच्छे मुझे लगे पर्सनली। उसके बाद यहाँ पे जो ये मडगार्ड दिया गया है, सारा का सारा जो है प्लास्टिक मटेरियल का आपको CB350 RS के अंदर मिलेगा, तो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे यूज़ की गई हैं प्लास्टिक की इस CB350 RS के अंदर। अब रियर टायर थोड़ा सा यहाँ से दिखा दीजिए, तो प्रोफाइल जो है टायर की वो काफ़ी अच्छी यहाँ रखी गई है, 150x70 ये टायर है R17, सो जो अलॉय व्हील का साइज़ है वो है 17, बट प्रोफाइल जो है टायर की बहुत शानदार है, उसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है टायर की। MRF का टायर ये है यहाँ पे, और पीछे की तरफ भी आपको यह 240mm का एक डिस्क ब्रेक दिया गया है। अगेन मैंने बताया आपको ड्यूल चैनल ABS इसमें दिया गया है, तो काफ़ी सही चीज़ है। उसके बाद इसके एग्जॉस्ट की बात कर लेते हैं, एग्जॉस्ट को भी यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश के अंदर दिया गया है, ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा क्रोम का यूज़ किया गया है, तो काफ़ी सही ये चीज़ है। और जो रियर में यहाँ पे आपके जो यहाँ बैठेंगे उनके लिए जो पेडल्स हैं यहाँ पे लेग पेडल के लिए, तो उनके लिए यहाँ भी एक पेडल दिया गया है, सो ये काफ़ी सही चीज़ है, ताकि उनका जो हील है वो यहाँ पे
टच ना हो इस साइलेंसर के ऊपर, सो इस साइलेंसर पे उनका हील टच ना हो, इसलिए काफ़ी अच्छी चीज़ ये दी गई है। तो ये ओवरऑल जो बाइक है इसको काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है होंडा के द्वारा, काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है। इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो बहुत ध्यान से अच्छे से दी गई हैं। कुछ एक चीज़ों की कमी है, जैसे कि मैंने बताया कि पीछे बैठने वाला इतना कम्फर्टेबल फील नहीं करेगा। पावर पिकअप मुझे सही लगी। अब थोड़ा सा इसका मैं आपको साउंड सुना देता हूँ, इसका जो नोट है वो मैं सुना देता हूँ, वो काफ़ी सही आपको लगने वाला है। सो ये साउंड नोट आप सुन लीजिए, पता नहीं कैमरा या मेरा माइक कितना जस्टिफाई कर रहा है, बट मुझे पर्सनली यहाँ पे खड़े होके ये साउंड नोट बहुत सही लगता है। और जैसे जैसे आप आरपीएम थोड़े बढ़ाते हैं तो इसका जो साउंड नोट है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका साउंड नोट भी बाइक का जो है वो काफ़ी सही है। और यहीं से आप इसको ये किल स्विच जो है इसका वो उससे आप इसको बंद कर सकते हैं। काफ़ी सही है बाइक मुझे लगी। अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा मैं आपको राइड कंफर्ट दिखा देता हूँ। सो जैसे ही मैंने बाइक का जो पिकअप लिया वो काफ़ी सही था, मतलब मुझे 1% भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि बाइक में कहीं भी कोई पावर की कमी है या कुछ भी है। सो काफ़ी सही यहाँ पे मुझे पावर पिकअप लगा। और जैसे ही आप 20 स्पीड क्रॉस करते हैं तो सेकंड गियर की आपको ज़रूरत महसूस होगी, तो सेकंड गियर जो है आपको यहाँ लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद स्पीड एक बार देख लेते हैं कितने के बाद थर्ड गियर पे जाएगी। हाँ, यहाँ पे आपको 35 पे आपको थर्ड गियर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद 40 पे आते आते आपको लगेगा कि फोर्थ गियर भी लगा लेना चाहिए। यहाँ फोर्थ गियर मैंने लगाया हुआ और काफ़ी स्मूथ है। अब थोड़ा सा ये रफ रोड है, इस पर चेक कर लेते हैं। तो सस्पेंशन में वैसे 10 दिन से बाइक को चला रहा हूँ, काफ़ी सही मुझे लगा सस्पेंशन, ऐसी मुझे कोई भी कमी यहाँ नहीं लगी। तो सस्पेंशन इस बाइक के काफ़ी सही मुझे लगे ओवरऑल। फ्रंट जो सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगे। रियर सस्पेंशन फिर भी आप अगर पीछे पिनियन अगर बैठा लेते हैं थोड़ा बोझ हो जाता है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा रियर सस्पेंशन में थोड़ा सा कमी लगेगी, बट फ्रंट सस्पेंशन है इस बाइक के वो काफ़ी सही आपको लगने वाले हैं। और साथ ही पावर जो पिकअप है वो काफ़ी सही लगती है। हालाँकि हेलमेट पहनने के बाद आप नोट साउंड तो नहीं सुन पाएंगे, बट आई फील कि साइड वाले जो लोग हैं जो आपको देख रहे हैं साइड से, उनको ज़रूर फील होगा कि कुछ अच्छी बाइक आपके पास से गुजरी है। तो ड्राइविंग में या कहीं टर्न लेने में वो इसमें बाइक में कोई भी कमी मुझे नहीं लगी। साथ ही जो ब्रेकिंग है इस बाइक की, जो मैंने आपको बताया ABS ब्रेकिंग के साथ ये बाइक मिल रही है, तो ब्रेकिंग में भी यहाँ पे मुझे कोई कमी नहीं लगती इस बाइक में। और जैसा मैं अभी रोड पे चला रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो है रोड जो है थोड़ा सा बेकार कंडीशन में है, तो यहाँ भी थोड़ा सा मैं एक बार ब्रेक लगा लेता हूँ, पीछे वाली ब्रेक यूज़ करके देख लेते हैं। तो ब्रेक बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ब्रेक ने काम नहीं किया अच्छे से। तो ब्रेक्स काफ़ी सही हैं। जो फ्रंट ब्रेक है वो मैं अभी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पीछे विनय जो है वो मेरा कैमरा पकड़ के बैठा हुआ है, सो अभी कैमरा को कुछ ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से चलाते हैं। वैसे हम 10 दिन से इस बाइक को चला रहे हैं और हमने हर तरीके से इस बाइक को चेक किया है, काफ़ी सही हमें इसकी राइड क्वालिटी जो है लगी है। थोड़ा सा रियर में आपको फील होगा कि जो रियर सस्पेंशन है ना वो स्टिफ हैं थोड़े से, मतलब, लेकिन आपको मैं एक चीज़ अच्छी बता दूं, यहाँ पे होंडा ने एक अच्छी चीज़ दी है कि अगर आप रियर सस्पेंशन को थोड़ा सा ट्यून कराना चाहते हैं अपने हिसाब से, ज़्यादा स्टिफर रखना चाहते हैं या आप कितना उसको हल्का रखना चाहते हैं या थोड़ा सा हैवी आप उनको रखना चाहते हैं, तो ये आप वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। आप जब बाइक ले रहे होंगे तो आप उनको बता सकते हैं अपने वहाँ पे डीलर को, तो वो उस तरह से इसको सेट कर देंगे। तो इसमें बाइक राइड में कोई कमी नहीं है, जो मैं बैठा हुआ हूँ अभी बिल्कुल सही यहाँ पे मुझे लग रहा है। लेकिन रियर में जो थोड़ी शिकायत रही हमें, जो कि हमने ट्राई किया बैठा के चलाने की, तो वहाँ थोड़ा सा आप अच्छा फील नहीं करते हैं इस बाइक में। सो ये था हमारा एक टेस्ट ड्राइव, अभी हमने इसको राइड किया। हालांकि हम इसको 10 दिन से राइड कर रहे हैं, हमने हाईवे पे भी इसको राइड किया। हाईवे पे इसकी जो स्पीड या जो इसको हमने पिकअप चेक किया है, इसकी राइड क्वालिटी चेक की, वो बहुत ज़्यादा शानदार है। ब्रेकिंग इसकी काफ़ी सही है। टर्न्स में आपको कभी कभी लगेगा कि टर्न जो है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आपको एकदम से कर्व लेना है या यू टर्न लेना है बाइक में, यू टर्न लेते वक्त आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ वहाँ आपको थोड़ा सा अलग सा फील होगा, वहाँ थोड़ी कमी है। बाकी इसका जो स्ट्रेट राइड है, राइड क्वालिटी है, वो काफ़ी
सही हमें लगा। सस्पेंशंस काफ़ी सही हैं। सेफ्टी में आपको यहाँ काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि आपको इसमें सेफ्टी में स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, ABS मिल रहे हैं, और जिस तरह के आपको इसमें ड्राइविंग का कंफर्ट है, सीट जो है राइडर के हिसाब से वो काफ़ी सही है। इसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, ये आपको स्पोर्टी एक येलो कलर मिलता है, साथ ही इसमें आपको रेडिएंट रेड कलर भी मिलता है, तो ये दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसमें सिंगल यही एक वेरियंट आपको मिलता है जिसका एक्सशोरूम प्राइस है 1,99,000 रुपीज़। ये दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस है, बाकी आप ऑन रोड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी स्टेट या सिटी के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा एक टेस्ट ड्राइव रिव्यू CB350 RS होंडा की इस शानदार अर्बन बाइक का। आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।